पुरानी साल की विदाई और नई साल की आगमन, हैप्पी न्यू ईयर सबको, मेरे दोस्त भाई बंधु और मेरे मित्रगण। आज 2024 का पहला दिन है, 1 जनवरी, और हम सब जा रहे दूधाखेड़ी माताजी मंदिर। साल की शुरुआत करेंगे मंदिर से। दूधाखेड़ी माताजी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, तो हम आज वहाँ पर जाएंगे, माताजी का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, आपका नया साल सुंदर हो और सुखदमय हो। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ दूधाखेड़ी माताजी मंदिर। यहाँ पर बहुत ही फेमस है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी दर्शन करने आते हैं। आप देख पा रहे हैं आज पहला दिन किस तरीके का भीड़ उमड़ रहा है। यह मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु भक्ति मन से यहाँ पर आके कोई मन्नत मांगे तो पूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पर लोग 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन पैदल यात्रा करके दूधाजी माताजी मंदिर में पहुंचते हैं और माताजी की दर्शन करते हैं और अपनी जो इच्छा है माताजी से मांगते हैं और वो पूर्ण होता है। तो दोस्तों, हम सभी आए थे, आज 1 जनवरी था, इसीलिए इस मंदिर में आए थे माताजी का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। तो मैंने माताजी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, और ये है माताजी का नया मंदिर बन रहा है पीछे। तो दोस्तों, ये उसका डिज़ाइन है। मित्रों, मंदिर में आके श्रद्धा मन से, यहाँ जो भी आता है उसका पुण्य होता है। तो यहाँ पर तिलक काटा जा रहा था, मैंने तिलक लगाया, और ये हवन कुंड जैसा है, यहाँ पर नारियल फोड़ फोड़ के डाला जाता है और जो वो जल के धुआं निकलता है, उस धुआं को लेने से आपकी श्वास, आप निरोगी बन सकते हैं। यहाँ मान्यता है ये धुआं लेने से इंसान निरोगी बनता है और इसकी चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। मैंने भी दोस्तों इस जगह की परिक्रमा लगाया 5 बार, और जितने भी श्रद्धालु हैं आप देख पा रहे हैं सब चारों ओर इसके घूम रहे, परिक्रमा लगा रहे हैं। दोस्तों, इतना भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। चारों तरफ श्रद्धालु और श्रद्धालु हैं। साइड में भोजन बनता है प्रसादी के रूप में, सब लेते हैं। ये है माँ दूधाखेड़ी माताजी का मंदिर, जो नया मंदिर बन रहा है, इस तरीके का कुछ मंदिर है। तो दोस्तों, आप देख ही पा रहे हैं टोटल जो मंदिर है, ये मंदिर कुछ इस तरीके का बनेगा। अभी कार्य प्रगति पर है और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, और सच में जब ये पूरा बन जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। हमारी जो पुरानी संस्कृति होती है, संस्कृति कलाकृति, देखिए देव देवियों की मूर्ति मंदिर के दीवार में किस तरीके से पत्थर काट के बनाया जाता है। ये हमारा जो कला है, हमारे जो इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कभी भी इस दूधाखेड़ी माताजी मंदिर आएंगे तो दीवार पे देख पाएंगे किस तरीके के हर एक पत्थर को काट के कितनी सुंदर से सुंदरता बनाई गई है, और दीवार की कलाकृति देख के मन तो मन मुग्ध हो जाता है। आप कभी अगर आए तो इसे जरूर देखें। आप देखिए किस तरीके की मंदिर बन चुका है और बाद बाकी मंदिर बन रहा है। अभी अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ माताजी मंदिर रहेगा, माताजी का स्थापना होगा, ये है वो जगह। दोस्तों, यहाँ पर माताजी का स्थापना होगा, ये है माताजी का मंदिर, ये है मूल गृह है, भूगर्भ जिसे बोलते हैं मंदिर का, उस जगह पे माताजी को बैठाया जाएगा। अब पूरी मंदिर की दर्शन हो गया, मैं घूम भी लिया, तो अब जा रहे बाहर के तरफ। अब जाते जाते दोस्तों देखिए दीवारों पे जो संस्कृति, जो हिंदू धर्म की संस्कृति, सनातनियों की संस्कृति है, दीवार के हर एक कण कण में छुपा हुआ है। यहाँ आके आज 1 जनवरी में बहुत बहुत ही अच्छा लगा, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक माँ है, माँ ने अपनी आंचल से
उनके पास शायद 10 रुपया ही था, तो आंचल से 10 रुपया निकाला और अपने बच्चे को दिया। ये चीज़ देख के मन मुग्ध हो गया, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है, मतलब बच्चों के लिए सब कुछ उजाड़ देते। उनके पास आंचल में से 10 रुपया निकला और वो दिया, मैं देख के बहुत आनंदित हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, माँ का प्यार याद आ गया। और इधर खाना बन रहा है, देखिए दोस्तों अभी जो खाना दाल बाटी का प्रोग्राम है, खाना बन भी चुका है, सब बैठ भी चुके हैं, खाना खा भी रहे हैं, तो मैं भी बैठ गया खाना खाने के लिए। दाल है, बापला का बाटी है, आप जरूर जो राजस्थान के होते हैं, एमपी के होते हैं, वो ज़रूर दाल बाटी भापला तो खाए ही होंगे, बट जो बाहर के मेरे मित्र दोस्त है वो कभी नहीं, मतलब ये चीज़ शायद ट्राई नहीं किए होंगे। तो आटा से बनाया जाता है भापला बाटी हो, और ये दाल है, बहुत ही स्वादिष्ट था दोस्तों, देख ही पा रहे ये दाल भापला था। हम प्रसाद या भोजन लेने के बाद हम आ गए कोटेश्वर मंदिर में। यहाँ पर मंदिर है, इस मंदिर को भी हम आज दर्शन करेंगे। बहुत ही शांत वातावरण था इधर का। मैंने मंदिर प्रसादी के रूप में नारियल अगरबत्ती लिया और माता जी को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद प्रणाम किया भक्ति मन से, जो भी अपनी इच्छा माता जी को बोला, सबको स्वस्थ रखो, सुंदर रखो और सब हंसी खुशी रहे। उसके बाद हमें प्रसाद मिला, तो मैं जब बाहर बैठा था, छोटा सा बच्चा, नन्ही सी परी आई और प्रसाद लेने आई मेरे पास। देखिए मित्रों, एक छोटी सी बच्ची प्रसाद ले रही है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों में भगवान का वास होता है। बच्चे निष्पापी होते हैं, इनका मन सच्चा होता है, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों में भगवान का वास होता है। और यहाँ जो माता जी थी, मंदिर के सामने नाच नाच के आरती कर रही थी। तो दोस्तों, ये जो चीज है, ये जो संस्कृति है, हमारा धरोहर है, ऐसा धरोहर कहीं और नहीं मिलेगा। मित्रों, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मंदिर दर्शन करके हम जा रहे हैं अभी घर के तरफ, तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। सभी को हैप्पी न्यू ईयर।